उपस्थित हाची पत्रकार परिषद एक परिषद घेवपाक आयले. आमचे केरळातले मंत्री गिरिराज सिंग ताचे फिशरीज आनी एनिमल हजबंड्री हाचे ते कॅबिनेट मिनिस्टर आसात ते आमचे बरोबर आसात. आमच्या गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे लोकसभेचे खासदार राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. आणि आमचे खास करून बजेट जी केंद्रान पास केल्ली आसा त्या बजेट जी हे केल्या त्या संदर्भातली माहिती दिवपाक आमचे केंद्रीय मंत्री हांगा आयिल्ले आसात. मागीर उनको विनंती करता हांव की हो प्रेस कॉन्फरन्स कर. मित्रो, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट देश के सामने रखा. आपके न्यूज़पेपर में, आपके मीडिया में कई बातें आया, कई बातें नहीं भी आया. इसलिए हम हर स्टेट में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, इसी क्रम में आए हैं. अगर मैं आपसे कहूं ये बजट 21-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया 34.83 लाख का. पिछला बजट था मेरा 30.42 लाख. और हमने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत संकल्प योजना दस्तावेज है, ना केवल बजट है. इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी शामिल हैं. मोदी सरकार के इस बजट में बुनियादी संरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थ शक्ति को बनाने का सुदृढ़ आधार तक निहित है. मित्रों, कोविड से आप पूरी दुनिया परेशान रहा. लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में नए कर लगेंगे, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार ने 1 पैसे का एडिशनल कर नहीं लगाया. और जिस बात को लेकर के विपक्ष ने मूर्खता की कि बजट के दिन ही लोगों की मार पड़ी, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, वो भी आपके सामने रखा जा चुका है कि हमने एक्साइज से घटाया और उसमें सेस लगाया. किसी को एक नया पैसा, किसी के ऊपर बोझ नहीं हुआ पेट्रोल और डीजल का. और मैं आपके सामने में रखूं तो स्वच्छ भारत के लिए 1,41,678 करोड़ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट, रोड, हाईवे, विकास 1,81,101. उसी तरह 2022 तक 8,500 किलोमीटर हाईवे हम तैयार करेंगे, 35,000 कोविड वैक्सीन, 22 अर्बन सिटी, 10 लाख से ज्यादा जहां जनसंख्या है वहां वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़, हेल्थ के लिए 2,23,846 करोड़ आवंटित किया गया,
जो पिछले बजट से 137% ज्यादा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भेजा हूं, लेकिन मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा कि देश में 2009 कंपेयर टू 2014 टोटल बजट 65 लाख करोड़ का था। भारत सरकार 2014 टू 2020 163 लाख करोड़ यानी 150% की बढ़ोतरी हुई ये मोदी जी के नेतृत्व में। अब देश के सामने दुनिया में हमको नीचा करने के लिए कुछ लोग कृषि को लेकर के जो कह रहे हैं, कृषि मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं। एक लैंडिंग सेक्टर होता है जिसमें केसीसी हम देते हैं, ये 2013-14 में 7 लाख करोड़ था भारत का, अभी हमने 16.5 लाख करोड़ बैंकिंग सेक्टर में लैंडिंग के लिए रखा है, जो 7 लाख के बराबर 135% बढ़ोतरी है। देश के अंदर में 3 क्रॉप सीरियल हैं, फिर दलहन है। अगर आप देखेंगे 13-14 तो मात्र व्हीट का 33,000 करोड़ रुपया का प्रोक्योरमेंट हुआ था, वहीं 19-20 में 62,000 करोड़ का हुआ, और 21-21 में अभी तक हम 75,000 करोड़ का प्रोक्योर किया। उसी तरह से जो 87% हायर देन कंपेयर टू 13-14 पैडी 63,928 करोड़ रुपए का 13-14 में सरकार ने यूपीए की, अभी 19-20 में हम 1.41 लाख करोड़ का यानी 120% फल सेज में 236 करोड़ रुपए का यूपीए ने किया था, हमने 8,285 करोड़ यानी 3,410% की बढ़ोतरी हुई। अगर मैं कंपेयर करूं कंपाइल करके 2009 टू 2014 1.68 लाख करोड़ व्हीट का, तो हमारे काल में 2.97 लाख 77% पैडी में यूपीए गवर्नमेंट में 2.6 लाख करोड़, एनडीए गवर्नमेंट में 4.95 लाख करोड़ यानी 140%। दलहन की बात करूंगा तो शायद मेरे आंकड़े को देख करके आप मैजिक आंकड़ा कहेंगे, 645 करोड़ यूपीए सरकार ने की और हमने 63,000 करोड़ का किया, 63,000 करोड़ जो परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 9,748%। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, एग्रीकल्चर पर इसलिए जोर दिया, आज पूरा देश में एग्रीकल्चर को लेकर के भारत सरकार जो वामपंथी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो भारत के
मोदी के अचीवमेंट को बदनाम करने के लिए। अब देखिए 2009 टू 2014 जो कृषि का बजट था 88,811 करोड़, यूपीए सरकार टोटल 2009 टू 2014 पांच साल 88,811 करोड़, वहीं मोदी सरकार 2014 टू 2020 4,87,238 करोड़, यानी 448% की बढ़ोतरी किसानों के लिए किया और देश में पहली बार 106 लाख हम सीधा डीबीटी कर चुके हैं। अगर गोवा के किसान नंबर जितने रजिस्टर्ड हुए होंगे उनके खाते में पैसे 6,000 प्रति किसान गया होगा। अब मैं अन्य चीजों को ना लूं क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, आप बोर भी हो रहे होंगे। हमने 1,000 मंडियों को जोड़ा है ई मार्केटिंग से, हमने 10,000 एफपीओ का मॉडल रखा है जो किसान को मदद करने के लिए। लेकिन आपको मैं बताता हूं जिस पर राहुल गांधी अभी चिल्ला रहे थे डिफेंस सेक्टर को लेकर के, रक्षा के बजट में दो आंकड़े देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2009 से 2014 8.41 लाख यानी 8.5 लाख करोड़ से भी कम था पूरे 9 से 14 में, वहीं 14 से 19 लाख करोड़, अगर 2 साल का मैं कर दू तो उनके 5 साल से भी ज्यादा है। रक्षा में मुझे बताते हुए आपके सामने गर्व हो रहा, आप भी गर्व महसूस करें कि भारत सरकार ने पहली बार तय किया कि 100 जो हमारे आर्म्स हैं वो हम हर सेक्टर में और शुरुआत कर दी है। ताइवान ने हमसे बर्मोश लिया, तेजस का एग्रीमेंट हो गया और पिछले 2 सालों में ठीक है साइज छोटा है लेकिन ग्रोथ का साइज 700% हमने ग्रोथ किया है डिफेंस एक्सपोर्ट में। मैं आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के 3 अंग अगर मेजर माने जाए डिफेंस सुरक्षा के लिए, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद सबसे बड़ा है एमएसएमई। मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष मैं एमएसएमई में था, आज 15,700 करोड़ का आवंटित हुआ है। जब मैं उस विभाग से जुड़ा था उस समय मात्र 3200 करोड़ 4,000 करोड़ का उसका बजट था। 9 से 14 में पूरा 5 साल में उसने 12,712 करोड़ दिया और 2014 से 20 में 36,000 करोड़ का सीधा बजट दिया। केवल यही नहीं, एमएसएमई के सेक्टर में प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा स्टेप लिया जो हम गारंटी स्कीम देते हैं कि हम सरकार का किसी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर का लेते हैं। पहले मात्र 5,000 करोड़ कार्पस था, आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कार्पस फंड है। तो कई सेक्टर हैं, लेबर के सेक्टर में पूरे कोरोना काल में लोग परेशान थे एंटरप्रेन्योर, भारत सरकार ने तय किया जो मजदूरों का भविष्य निधि होता
आधा पैसा मजदूर देते, आधा जो एम्प्लॉयर होते वो देते। हमने दोनों पैसा देने का काम किया। ये एक दो नहीं बल्कि 87 लाख से ऊपर मजदूर है उनका। उज्ज्वला की चर्चा आप हमसे सुनते रहते होंगे, लेकिन हमने 1 करोड़ और बढ़ाने का किया है। और सबसे बड़ी चीज है सिटी गैस कनेक्शन। जब मैं पॉलिटिकली देखता था तो पहले गैस के कूपन लेने के लिए लोग एमपी के पीछे जाते थे। अब गैस 8 करोड़ उज्ज्वला में दिया, 1 करोड़ ये दे रहे हैं। अब सिटी गैस सर्विस हम 100 शहर में, नए शहरों में हम उसको गैस सप्लाई का काम करेंगे। स्वास्थ्य में आपको मैंने पहले बताया 137% की ग्रोथ हमने दी है। और एजुकेशन, हेल्थ में सबसे खूबी है कि 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर होगा। उससे गोवा भी, उसका भी शेयर होगा। और हमने गोवा को, शायद गोवा के सीएम, डिप्टी सीएम, पार्टी के अध्यक्ष ने आपके सामने रखा होगा, लेकिन मैं रखूंगा कि इन्होंने मांगा था 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। भारत अगर आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये 60वीं वर्ष गोवा का हम आत्मनिर्भर गोवा बनाएंगे। हमें 100 करोड़ चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हम 300 करोड़ आत्मनिर्भर गोवा के 60वीं वर्ष बनाने के लिए देंगे। मैं आपके सामने मत्स्य पालन के लिए कल मैं करूंगा, पशुपालन का। वो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका इकोनॉमी पहले खनिज के साथ था, अभी समुद्री और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मैं कल आपके सामने रखूंगा, वो ऑफिशियली मैं सरकार के साथ मिलकर के रखूंगा। मुझे आपके सामने कुछ बात कहने का मौका मिला, आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने उन बातों को समराइज करने की कोशिश की है जो एक लिफलेट आपके सामने में हमारे लोगों ने दिया होगा, उसमें कई चीजें नहीं होगी। उसको हम समराइज करके आपके सामने रखने का काम किया है। मेरा नाम गिरिराज है। मैं पहले ही बताया कि पहले मैं एमएसएमई का मंत्री था, इस बार एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डेयरी का हूं। मैं बिहार का सांसद हूं। मैं अपना परिचय आपके सामने दे दिया, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूछे तो पूछे, अगर किन्हीं को, मेरा इतना ही आग्रह है, मैं कमजोर विद्यार्थी हूं, खड़ा प्रश्न नहीं करें। मंत्री जी, आपने अभी बताया कि समुन्दर और एग्रीकल्चर ये दो चीजें हैं जिसका आप सरकार के साथ विचार विमर्श करेंगे कल, तो क्या खनिज से गोवा की दिशा अब समुन्दर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ जाएगी? निश्चित रूप से गोवा की इकोनॉमी, मैं जो समझ पाया हूँ, कल भी मैं मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग हुई है, आज डिप्टी सीएम से और मेरे फिशरी मिनिस्ट्री से एक और मीटिंग शाम में करूंगा, तब मैं कल आपके सामने इसके क्षेत्र को रखने का काम करूंगा। हम इससे एग्री हैं कि गोवा आत्मनिर्भर कैसे हो, और
शायद समुद्र और एग्रीकल्चर को कैसे एक साथ जोड़ करके आगे। मंत्री जी आपने कहा कि अभी आपने जो आंकड़े वाले सामने रखे हमारे, उससे मैं एक कॉमन लेमैन हूँ, मुझे वो आंकड़े वाले नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब पेट्रोल के प्राइस में 10 पैसा भी बढ़ता है या गैस सिलेंडर में 1 रुपया बढ़ता है तो मैं तीन मिला उठता हूँ। तो आप कहते हैं कि 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया पेट्रोल के रेट में। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, मैंने जिस दिन बजट स्पीच चल रहा था, जब मैडम निर्मला सीतारमण बजट को पढ़ रही थी, उन्होंने कहा इतना रुपया पेट्रोल में, इतना रुपया डीजल में बढ़ा है। कांग्रेस के और कई विपक्ष के लोगों ने ट्वीट किया, वो कंफ्यूजन और भ्रम पैदा किया था, मैं उसके विषय में कह रहा हूं। वैसे पेट्रोलियम मंत्रालय स्वतंत्र हो गया है वर्ल्ड मार्केट से जोड़ करके। उस दिन जो एक्शन लिया गया, जो निर्मला सीतारमण जी ने रखा सदन में, वो रखा कि 2 रुपया कुछ पैसा डीजल पेट्रोल में और डीजल में बढ़ाया, वो सेस लगाया। सेस कैसे लगाया, हमने एक्साइज को उतना कम कर दिया, हमने उतना सेस उस पे लगा दिया, तो किसी के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ। वो उस पैसे से कई, हमें कोविड है, कई काम करने हैं, तो हमने जनता पर कोई भार नहीं। मंत्री जी, इसी सवाल को जोड़कर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ही नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने कहा था कि राम के भारत में 93 रुपये लीटर पेट्रोल है, सीता के नेपाल में 53 रुपीज लीटर और रावण की लंका में 51 रुपीज लीटर, तो भारत में एक पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? सुब्रमण्यम स्वामी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं उनके आंकड़ों के जाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, न लंका के रावण का न सीता के। मैं देश की स्थिति पर ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मोदी ने पूरे देश को एक परिवार की तरह, हो सकता है परिवार के सारे इमोशन एक साथ कहीं हुआ हो कहीं ना हुआ, लेकिन मोदी ने इतना जरूर किया है कि पूरी दुनिया में भारत के लोग जहां भी जाएंगे सर उठा के जाएंगे, ये मोदी ने बहुत बड़ा जीत दिया। मंत्री जी, एक सवाल है कि देश का जो मैक्सिमम पैदावार जो है फूड ग्रेन्स की, वो पंजाब में होती है, और हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों से किसान है जो वो धरना देके बैठे, तो क्या आने वाले साल में देश अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी जरूरत है, उस पे कुछ कमतरता महसूस करेंगी फूड ग्रेन्स? जी नहीं, अभी जो पंजाब में हम पहले से खरीदते थे, मैं खरीद उतना ही तेजी से चालू है और पैदावार भी उतना ही तेजी से चालू है। ये किसानों के लिए पूरे देश में हमारा जो ग्रोथ है वो पिछले साल से अनुमानतः अधिक है रबी के फसल का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।